चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खैरलाल जी, में आम आदमी पार्टी ने मिलन समारोह कार्यक्रम का किया आयोजन। नगर में मोदी हटाओ देश बचाओ के लगाए पर्चे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी के बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल और लोकसभा सचिव गौरव जायसवाल, जिलाध्यक्ष पर अरविंद चौधरी और जिला सचिव पर अमर आर्मर सहित अन्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत में आम आदमी पार्टी कार्यालय खैरलांजी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी की मुख्य उपस्थिति में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित पदाधिकारियों ने बारी बारी से सरकार पर निशाना साधे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचारधारा से जुड़ने की सलाह दी। वहीं नगर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पर्चे भी लगाए गए हैं। सर, आपका परिचय। जय हिंद, मैं शिव जायसवाल, आम आदमी पार्टी लोकसभा सिवनी बालाघाट का प्रभारी। आज जो सम्मान समारोह रखा गया था, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है इसके पर चर्चा की गई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मुझे बड़ा, हम सभी पदाधिकारियों का जिस तरह से वाराणसी विधानसभा के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी एकमात्र विश्वास की नज़रों से आम जनता देख रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से जनता का विश्वास उठ चुका है। एक बार सर जनता मतदान देकर के सरकार बनाती है पर कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं, इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस से हट चुका है। वहीं पर पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया था, परंतु खरीद फरोख्त की और पिछले दरवाजे से चोरी की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चलाई है, जो जनता के विश्वास के खिलाफ में है, जनता के विश्वास का अपमान किया है, इस तरह से दोनों को आम जनता आने वाले 23 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। और जिस तरह से आम जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी की तरफ है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की इस लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आम आदमी पार्टी के जो काम है माननीय सम्माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में और पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनहित के वह सारे कार्य मध्य प्रदेश में भी क्रियान्वित किए जाएंगे। इन्हीं विश्वास का मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। सर, आपका परिचय। आम आदमी पार्टी जिला से अध्यक्ष बालाघाट अरविंद चौधरी। आज जो यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था और आम आदमी पार्टी के विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश को एक महिला, सशक्त महिला उम्मीदवार और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिया है, और माननीय श्रीमती रानी अग्रवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, और जिले से लेकर लोकसभा से लेकर के जिले तक के बॉडी पूरे मध्य प्रदेश में बनाई है। तो उसमें लोकसभा प्रभारी हमारे शिव जायसवाल जी को बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रभारी, और जिला का अध्यक्ष स्वयं, और हमारे जिले के जो जिला सचिव हैं उस पद पे हमारे अमर आर्मर जी को, और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में राजकुमार करराय जी को और गोरेलाल रहमताली जी को नियुक्त किया है, और ऐसे बहुत सारे और पदाधिकारी हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए। वाराणसी विधानसभा के ऊपर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, वाराणसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह रखा था। आज ये सम्मान समारोह में सभी लोग उपस्थित हुए और यहाँ संकल्प लिया गया, जिस प्रकार से हमारे हर विधानसभाओं पर 30,000 कार्यकर्ता का हमारा अभी जो है वर्तमान में 30,000 कार्यकर्ता हमारे बन चुके हैं हर विधानसभाओं में। बालाघाट जिले की कहीं 30,000 है, कहीं 35,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता भी हमारे बन चुके हैं। और इस कार्यकर्ता को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और 2023 में हम पूरी ताकत के साथ बालाघाट जिले की 6 विधानसभा पर लड़ करके 6 विधानसभा को जीतने का लक्ष्य हमने रखा है। गांव-गांव तक के जाएंगे, महिलाओं तक जाएंगे, किसानों तक जाएंगे, नौजवान युवाओं तक जाएंगे जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, है ना, उनको कोई रोजगार नहीं है, किसानों को वाजिब दाम नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं को जो अभी एक
कहना चाहिए। हमारी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर में महिलाओं को 18 साल के बाद की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया खाते में देने का ऐलान किया था चुनाव के पहले, वो हमारा चालू हो गया है। इन योजनाओं को लेकर के हम मध्य प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को लेकर के लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक हंसी आती है हमारे को शिवराज सिंह चौहान जी को कि इनको शिवराज सिंह चौहान जी को नकल करना के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। इन्होंने नकल तो करने का किया लेकिन अकल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि लाडली बहना योजना जो इन्होंने लागू किया है 23 के बाद की महिलाओं को इन्होंने लिया है, लेकिन अभी चुनाव आते तक के जो 4 करोड़ महिलाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश की उसमें से तो 1 करोड़ ऐसी कट जाएंगी जो 60 साल के ऊपर की हैं। उसके बाद की जो महिलाएं हैं जिनके पति उसमें नौकरी में हैं वो कट जाएंगे, फिर जिनके घर में ट्रैक्टर है, इस प्रकार का प्रतिबंध लगा करके उन्होंने 3 करोड़ 70 लाख महिलाएं ऐसी बाहर हो जाएगी, बची कितनी 20 लाख। तो 20 लाख में से भी अभी वो महिलाओं को छानबीन करते तक के आचार संहिता लागू हो जाएगी और उनको किसी योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। सबको क्यूसेक बैंक में लाइन में लगाने का काम कर दिया, कई प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वो करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं बैंक में, और अगर मिल भी गया योजना का लाभ तो 25-50 हजार महिलाओं को वो लाभ दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मिला क्या चुनाव आते तक, सरकार तो बननी नहीं है, मामा जी का ठुल्लू मिलने वाला है जनता को। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसी फेकोलाजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2023 में हम लोग संकल्प ले रहे हैं महिलाओं को ससम्मान 1000 रुपया गारंटी के साथ में हमारे भगवत मान जी आज भी दे रहे हैं और वो यहाँ मध्य प्रदेश में भी हम देंगे। हम किसानों को 2367 रुपये धान खरीदी कर रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश में खरीदेंगे, ठीक है। गेहूं जो है 2768 रुपये का खरीद रहे हैं वो भी हम खरीदेंगे, और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, जब तक के रोजगार नहीं मिलता तब तक के बेरोजगारी भत्ता देने का हमने संकल्प लिया है, और जो दे रहे हैं जैसा पंजाब में वैसा यहाँ 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी हम देने का काम युवाओं को करेंगे। जब तक कि हमारी सरकार अगर बन जाती है तो हम सबसे अधिक 2500 युवाओं को वहाँ पे योजना उसका लाभ दिया है नौकरी का, वैसा यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हम युवाओं को रोजगार देंगे। हमारा जिले में बहुत सारी खनिज वन संपदा सारी चीज़ें हैं, उससे संबंधित कुछ फैक्ट्रियाँ ये सब लगाएंगे। इन योजनाओं के साथ में हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को साकार करने के लिए एक मौका केजरीवाल को इस नारे के साथ में हम मध्य प्रदेश फतेह करेंगे और बालाघाट जिले की 6 विधानसभा पे लड़ करके किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने का और अधिकार दिलाने के लिए हम ये संकल्प लेकर के निकले हैं। इसी प्रकार अभी कटंगी विधानसभा में और हमारा अगला सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, हम वहाँ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।